हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल रसोई रांगा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लाए हैं एक नई रेसिपी, चने दाल और लौकी की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, आप अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये एक नई और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने एक कुकर ले लिया है और इसमें डालने के लिए हमने जो मसाले लिए हैं वो है, एक बड़ा प्याज था तो उसको हमने हाफ़ काट दिया है, और इस 5 से 6 सूखी मिर्च ली है, जीरा, लहसुन और अदरक ले लिया है। इन सभी का हमें पेस्ट बना लेना है, और चने की दाल लेना है जिसको हमने 1 घंटा पहले ही फुला दिया था, इसको धोकर हमने साफ़ कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और कुकर जब हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं। तो इसे चारों तरफ हम फैला दे रहे हैं, और जब हमारा तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे प्याज कटे हुए, जो हाफ मसाले में डाले थे हाफ को मैंने काट लिया था, और ये तेज़पत्ता है, जीरा है और एक सूखी मिर्च है। इन सभी को अच्छी तरीके से हमें तेल के साथ भूनना है और गैस के फ्लेम को कम ही रखना है ताकि प्याज हमारा जले नहीं। उसके बाद दोस्तों, जब प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें जो दाल थे चने के उसको हमें डाल देना है, और इसको भी 2 मिनट तक चलाते हुए भूनना है। तो देखिए, इस तरीके से चलाते हुए हम इसको भून ले रहे हैं। अब इसमें हम पीसे हुए मसाले को ऐड कर देंगे। तो देखिए, हमने जार में से सारे पीसे हुए मसाले ले लेंगे। अगर आप चाहे तो मिर्ची का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, हमने इसको पीस लिया है, लेकिन आप चाहे तो मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें जार को हमने धोकर इसमें डाल दिया है ताकि सारे मसाले इसमें आ जाए, बर्बाद नहीं हो हमारे मसाले, और इस तरीके से इसको चला देना है। अब इसमें हमने अंदाज अनुसार हल्दी डाल दिए हैं, और इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। और एक टमाटर हमने काट कर रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देना है। इसमें थोड़ी सी धनिया पाउडर को भी, 1/2 टीस्पून भर धनिया का पाउडर इसमें हम ऐड कर दिए, और इसको चलाते हुए इसे अच्छी तरीका से भूनना है। इसे लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। तो देखिए दोस्तों, मसाला हमारा तेल छोड़ दिया है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से मसाले को भूनना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, हमने पहले से ही लौकी को काट कर रख लिया था, काट कर धो कर रख लिए थे, तो उसको इसमें डाल देना है, और इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक इसको भूनना है। इस सब्ज़ी को दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है, और जो बच्चे लौकी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं
इस तरीके से आप सब्जी बनाइए, बच्चे पसंद से खाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए हम भूंज रहे हैं और इसमें हमने थोड़ी सी पानी ऐड की है ताकि हमारा तली बैठे नहीं। तो इस तरीके से हम इसको चला दिए हैं और हमने कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया। इसमें 2 से लेकर 3 सीटी तक आने तक इसको पकाना है। तो देखिए हमारा 3 सीटी हो गया और स्टीम भी हमारा अपने आप निकल चुका है। तब हम इसको खोलकर चेक कर रहे हैं कि ये हमारी सब्जी कैसी बनी है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें इसमें थोड़ी सी पानी है सब्जी में, तो इसको अभी हमको सुखाना है। इस सब्जी में पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका स्वाद उतना बढ़िया नहीं आ पाता है। तो इस सारे पानी को हम सुखा देंगे। तो इस तरीके से तेज़ आंच में ही इसको हम सुखा लेते हैं। 2 मिनट में ये सूख कर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये लगभग मेरा ग्रेवी सूख चुका है। तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल दिए हैं और इसे चलाते हुए इसको मिला देना है और गैस को ऑफ कर देना है। तो दोस्तों देखिए, हमने सर्व कर दिया है चने और लौकी की सब्जी। तो इसे हमने रोटी के साथ सर्व किया, इसके साथ एक आम का अचार है और ये कच्चे आमों का गुरम्मा है। ये अचार भी मैंने अपने वीडियो में डाला है और ये गुरम्मा भी हमने पिछले वीडियो में डाला है। प्लीज़ दोस्तों, इसे आप जाकर मेरे वीडियो में देख सकते हैं। बाय दोस्तों।